पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। उसके अलावा दो जगह पर वेरी हैवी, जिसमें अनुगुल के अथामाली में सबसे अधिक 154.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हाईएस्ट जो मैक्सिमम दिन का तापमान है बारगढ़ में 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भुवनेश्वर का मैक्सिमम तापमान जो है 31.7 डिग्री सेल्सियस और कटक का 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। अगर हम सीजनल टोटल की बात करें 1 जून से लेकर अभी तक बारिश की बात करें तो अभी जो एक्चुअल रेनफॉल है 359.5 मिलीमीटर दर्ज हो चुका है। अभी भी जो डिपार्चर सामान्य से 17% नीचे चल रहा है। इसमें से अभी एक जो जिला नॉर्थ एक्सेस में चल रहा है। उसके अलावा जो 13 डिस्ट्रिक्ट है वो जो हमारे नॉर्मल कैटेगरी में है। अभी भी जो 16 डिस्ट्रिक्ट जो है डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं। जिला जो कलवा जो डिप्रेशन सिस्टम था अभी वो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया होता हुआ इंटीरियर उड़ीसा और जैनी छत्तीसगढ़ से बना हुआ है। सुबह के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये सिस्टम में अभी धीरे धीरे मूव करेगा नॉर्थ वेस्टवर्ड की तरफ अक्रॉस छत्तीसगढ़ और वीकेंड हो जाएगा लो प्रेशर एरिया में अगले 12 घंटे में। उसके अलावा एक मानसून ट्रॉफ जो जैसलमेर कोटा गुना मांडा और इस वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के सेंटर से होते हुए ईस्ट साउथ ईस्टवर्ड होते हुए ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में चली जा रही है। उसके अलावा एक शियर जोन है जो कि 20 डिग्री नॉर्थ के आसपास बना हुआ है समुद्र तल से 1.03 और 5.08 किलोमीटर सतह के हाइट के ऊपर। तो अभी जो जो स्ट्रॉन्ग मानसून करंट की वजह से अभी भी जो स्केली वेदर है बना हुआ है समुद्र के अंदर जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और जर्नी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर और अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट के ऊपर, जहाँ पे अभी जो हवाएं हैं वो सरफेस विंड है वो 40 से 50 km/h गस्टिंग सरफेस विंड चल रही है। उसके वजह से सी कंडीशन अप टू वेरी रफ हुई पड़ी है। अगले 23 दिन यानी 23 तक फिशरमैन को वार्निंग एडवाइस किया जाता है कि वो समुद्र में अभी भी मछली पकड़ने के लिए ना जाए टिल 23 जुलाई तक। फोरकास्ट की बात करें तो नॉर्थ उड़ीसा में वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है और फेयरली वेदर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा साउथ उड़ीसा में अगले 3 दिन तक। उसके अलावा डे वन में जो आपका जो इंटीरियर उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ संबलपुर बारगढ़ सोनपुर बोध बोलंगीर नुआपाड़ा कलांडी नरंगपुर कोरापुट नौकानवी इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। इसी के 22 तारीख को बारगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ और क्योंझर मयूरभंज बलसर भद्रक जाजपुर केंद्रपाड़ा इन सब डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल की वजह से। डे 3 में झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ क्योंझर मयूरभंज और जो साउथ उड़ीसा में येलो रीजन देख रहे हैं वहाँ पर आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार 25 तारीख को भी जो आपके सुंदरगढ़ संबलपुर देवगढ़ क्योंझर मयूरभंज बालासोर भद्रक जाजपुर गुलडेंगा कटक इंद्रपुर जयसपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है।